नमस्कार दोस्तों, तो भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने तीसरा टेस्ट मैच जीतकर इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में जबरदस्त वापसी की है। तो वहीं भारतीय टीम के लिए अब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का राह है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और जो चौथा टेस्ट मैच 9 मार्च से खेला जाना है अहमदाबाद में वो भारतीय टीम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण हो गया है, जिस कारण भारतीय टीम चौथे टेस्ट मैच में कुछ बदलाव करने की सोच रही है। और जो मैच विनर खिलाड़ी जो तीसरे टेस्ट मैच में जिसको उन्होंने रेस्ट दिया था उसको वापस बुलाने का एकदम ठान लिया है, और वहीं कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देने के लिए भी टीम मैनेजमेंट सोच रही है। अगर हम बात करें वह डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप के दृष्टिकोण से या यूं कहें फाइनल के दृष्टिकोण से, तो वहां पर जसप्रीत बुमराह का खेलना काफी संदिग्ध माना जा रहा है, जिस कारण मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जो दो ऐसे पेसर बन जाते हैं, काफी ही महत्वपूर्ण पेसर बन जाते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दृष्टिकोण से, अगर भारतीय टीम वहां पर जगह बना पाती है, और उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करना भी भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस कारण तीसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी को रेस्ट मिला था। तो वहीं अब ये सुनने में आ रहा है कि चौथे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम आराम देने वाली है, वहीं उनकी जगह मैच विनर खिलाड़ी मोहम्मद शमी जिनको तीसरे टेस्ट मैच में आराम दिया गया था वो वापसी करेंगे, और उमेश यादव अपनी जगह बनाकर रखेंगे भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में। तो ये जो महत्वपूर्ण चेंज था हो सकता है, और ये लगभग इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कर दी है। वहीं अगर हम बात करें एक और अन्य बदलाव की जो भारतीय टीम चौथे टेस्ट मैच में कर सकती है, जो कि एक ट्रंप कार्ड चेंज कर सकती है, वहां पे ईशान किशन भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि श्रीकर भरत का जो परफॉर्मेंस रहा है इस टूर पे वो काफी ही घटिया रहा है, काफी ही लचर प्रदर्शन किया है श्रीकर भरत ने। जो उम्मीदें थी भारतीय टीम को, उनसे उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए श्रीकर भरत, और उनका जो विकेट कीपिंग स्किल भी है वो भी काफी एवरेज है। डोमेस्टिक मैचों में तो काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है श्रीकर भरत ने, अपने विकेट कीपिंग स्किल से भी सबको इंप्रेस किया था, जिस वजह से भारतीय टीम उनके ऊपर काफी बैंक ऑन कर रही थी। जब भी ऋषभ पंत थे तो उनको सेकेंड बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा जा रहा था टीम में। जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर जो श्रीकर भरत हैं वो खरे नहीं उतरे हैं, और एक टैक्टिकल चेंज जिस कारण भारतीय टीम मैनेजमेंट कर सकती है, उनके जगह ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। तो एक बार अगर भारतीय टीम का प्लेइंग 11 हम उठाकर देखें जो कि चौथे टेस्ट मैच में खेल सकता है, वो कुछ इस प्रकार होगा। रोहित शर्मा, सुमन गिल यहाँ पे आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, केएल राहुल को इस मैच में भी बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि सुमन गिल को लॉन्गर रन के लिए रोहित शर्मा यूज करने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें वन डाउन बैटर की, तो वहां चेतेश्वर पुजारा होंगे। पुजारा ने पिछले मैच में जो तीसरी पारी थी उस मैच की, वहां पे जबरदस्त इनिंग खेली थी, 60 रन बनाए थे लगभग, और उन्होंने भारतीय टीम को एक अच्छा खासा बेस भी तैयार कर दे दिया था, लेकिन तो अन्य बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाए, जिस कारण भारतीय टीम वो मैच हार गई। तो चेतेश्वर पुजारा वन डाउन पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे, चौथे नंबर पे विराट कोहली खेलते हुए दिखेंगे, तो वहीं पांचवें नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए रविंद्र जडेजा या श्रेयस अय्यर में से कोई एक दिख सकता है, लेकिन अभी जो भारतीय टीम चेंजेज कर रही है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रही है, उस कारण रविंद्र जडेजा ही पांचवें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करेंगे, और यहाँ पे श्रीकर भरत या ईशान किशन में से कोई एक खेलेगा। इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि श्रीकर भरत बाहर ही होंगे, लेकिन टैक्टिकल चेंज अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट करना चाहे चौथे टेस्ट मैच में, तो ईशान किशन को मौका देकर टैक्टिकल चेंज कर सकती है। तो वहीं अगर बात करें ऑलराउंडर्स में, तो रविंद्र जडेजा तो ऊपर बल्लेबाजी में मैंने डाल ही दिया है, तो अब बात करें आर अश्विन, अक्षर पटेल, ये जो दो अन्य स्पिनर रहेंगे और ऑलराउंडर रहेंगे भारतीय टीम की तरफ से, और जो पेसर रहेंगे भारतीय टीम के वो रहेंगे मोहम्मद शमी और उमेश यादव, जो ये 11 खिलाड़ी हैं जो कि चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भारतीय टीम के दृष्टिकोण से ये चौथा टेस्ट मैच काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अगर वो अपने बूते पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाना चाहते हैं तो उनको ये मैच जीतना ही जीतना होगा। अगर वो जीत जाते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेंगे। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।